हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृत जस्सल। ब्रेन फीड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कैसे रिपेयर किया जाए। इस वीडियो के अंदर जिस हार्ड डिस्क को हम रिपेयर करने जा रहे हैं वो है तोशिबा की कैनवियो। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, इसके अंदर फॉल्ट है। देखिए, जैसे हम इसको इस तरह से यहाँ पर अटैच किया, अटैच करने के बाद इसकी लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे इसका, लेकिन अभी भी आप देखोगे ये ब्लिंक कर रही है। अगर हार्ड डिस्क इस तरह से रेगुलर ब्लिंक कर रही है और आपके कंप्यूटर के ऊपर डिटेक्ट नहीं हो रही, तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हार्ड डिस्क अभी भी ब्लिंक कर रही है लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हुई है। ये है तोशिबा की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब हम देखते हैं कि इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इस हार्ड डिस्क को ओपन कैसे करें। आप जैसे देख पा रहे हो कि ये यहाँ से सील है, ये सारे तरफ से सील की हुई हार्ड डिस्क होती है। ये ऊपर कवर होता है इसका, हार्ड डिस्क एक्चुअल में इसके अंदर होती है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा थोड़ा थोड़ा कि दो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनको खोलने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप नाखून के साथ भी इसको खोलने के लिए ट्राई कर सकते हो। इन केस आपके नाखून नहीं हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको किसी न किसी ब्रिक, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की आप, या कोई भी पत्ती हो उसके साथ भी आप खोल सकते हो। देखिए, हम इसको साइड से खोलने की कोशिश करते हैं। इस तरह से किसी न किसी एक जगह से आप इसको शुरू कर लो। बहुत ही आराम से इसको आप खोलिए। इस तरह से एक साइड से खुलनी शुरू हो चुकी है, देखोगे आप इस तरह से। देखिए, ये खुल गई है। इस तरह से ये हार्ड डिस्क होती है, ये आप देख पा रहे हो। इस हार्ड डिस्क के अंदर दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक तो ये नीचे वाली हार्ड डिस्क और ऊपर ये इसका पीसीबी मॉड्यूल, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क का पीसीबी मॉड्यूल, यूएसबी 2.0 ये हार्ड डिस्क है और ये यूएसबी 2.0 इसका पीसीबी मॉड्यूल है। अब दूसरा काम आ जाता है कि इसको हार्ड डिस्क को बाहर निकालना है। आप देखोगे यहाँ पे साइड पे ये दो रबड़ दी हुई हैं इसके, जिसके साथ इसको फिक्स किया हुआ है। ये बेसिकली लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क होती है। इसी तरह की हार्ड डिस्क ही लैपटॉप के अंदर यूज की जाती है और ऐसे ही ये यूएसबी 2.0 हार्ड डिस्क के अंदर यूज में आती है। अब हमने इसको धीरे से निकालना है। आराम से इसको आप बाहर निकाल सकते हो। कोई इसके अंदर पेच नहीं लगा होता, कुछ नहीं लगा होता। ये वेरी करता है हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क। कई बार किसी कंपनी के अंदर पेच लगा हुआ भी आ सकता है, आप देख लेना पहले कोई पेच तो नहीं लगा हुआ। लेकिन ये तोशिबा की कैनवियो के अंदर ये पेच नहीं लगा होता, इस तरह से होती है ये। दोस्तों, जब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क काम करना बंद कर देती है तो ज़्यादातर केस के अंदर ये वाला पार्ट खराब होता है। इस पार्ट को अगर आप रिप्लेस कर देते हो, नया डाल देते हो इसकी जगह पे, तो आपकी ये हार्ड डिस्क वर्किंग में आ सकती है। बहुत सारे चांस होते हैं कि जब यही पार्ट सिर्फ खराब होता है, हार्ड डिस्क का ये वाला पार्ट यानी कि एक्चुअल हार्ड डिस्क बहुत कम केसेज के अंदर खराब होती है। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं कि ये हार्ड डिस्क खराब हो गया, लेकिन हार्ड डिस्क पूरी आपकी खराब नहीं हुई होती है। डाटा आपका इस पार्ट के अंदर होता है, तो इस वजह से आप डाटा को बचा सकते हो, अपनी हार्ड डिस्क को रीयूज कर सकते हो, दोबारा से उसको वर्किंग में ला सकते हो। अगर ये पार्ट आप चेंज कर देते हो, ये पार्ट ऑनलाइन वेबसाइटों के ऊपर आप मिल जाएगा। अब देखिए, ये इस तरह से दिखता है पार्ट।
USB 2.0 PCB मॉड्यूल लिख के अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइटों के ऊपर ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इसको ख़रीदने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस कॉस्ट के अंदर ये आपको मिलेगा, ये आपको इंडियन मार्केट के अंदर 250 से 300 के आसपास मिलता है, और इसी कॉस्ट के अंदर हमें एक दूसरा पार्ट मिल जाता है, ये वाला, इसको बोलते हैं USB 2.0 HDD इनक्लोजर। ये आप देखिए टेराबाइट कंपनी का ये बना हुआ है और इस कंपनी का ये वाला इनक्लोजर है। अब हम खोल के इसको देखते हैं, ओपन करते हैं इसको बॉक्स को कि ये है क्या। देखिए इसके अंदर से एक ये इनक्लोजर निकला है, ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये हार्ड डिस्क का इनक्लोजर है, यानी कि हार्ड डिस्क का केस है सिर्फ एक खाली, जिसके अंदर आप हार्ड डिस्क डाल सकते हो। और इसके साथ में और क्या आया है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये है एक कवर है उसका, जिसको आप सेफ्टी कवर बोल सकते हो। ये है एक इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर आपको एक USB केबल मिली है, साथ में एक आपको स्क्रू ड्राइवर मिला है, और ये दो मिले हैं आपको स्क्रू, जो कि इनक्लोजर के ऊपर लगाने के लिए हमें काम में आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज में लेके आएँ। सबसे पहले जैसे आपने इस हार्ड डिस्क केस को ओपन किया तो इसके अंदर से ये इस तरह से बाहर आ गया। आप देखो कि जो PCB हमने हार्ड डिस्क के अंदर से निकाली है वैसे ही PCB इसके अंदर भी देखिए लगी हुई है, सेम PCB। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये PCB अकेली बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उतने की PCB आती है उतने का ही केस आ जाता है। तो आप ये हार्ड डिस्क को, इसको हमने इस इनक्लोजर के अंदर फिट करना है, इसको बड़ी आसानी से आप इसके अंदर फिट कर सकते हो। यहाँ से आप रखिए और इसको इस तरह से आप के अंदर पुश कर दीजिए, आराम से आप पुश करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी इसके साथ। ये आराम से ये पुश हो गया और ये इस तरीके से इसके अंदर लग गया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है इसको इसके अंदर फिट करना। ये ध्यान रखना है यहाँ पे दो सुराख दिए हुए हैं दोनों साइड पे, इधर भी सुराख है कि इसके इस साइड भी सुराख है, और इसी तरह के सुराख कुछ इसके अंदर भी आपको नजर आएंगे इस इनक्लोजर के अंदर। ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको ये सुराख यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आपने ये वाला इसको बड़े आराम से इसके अंदर डालना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसके ऊपर ये टेराबाइट लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, और बैक साइड से आपने इसको इसके अंदर ऐसे डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रू लगा सकते हो, जो स्क्रू हमें साथ में मिले हुए हैं ये इस तरह से, ये वाले स्क्रू हैं, इसको आप यहाँ पे फिट कर लेते हो। लेकिन ये स्क्रू फिट करने से पहले हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये चलनी शुरू हो गई है, वाकई ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम इसकी USB केबल इसी वाली यूज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे ये हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाई, अब देखिए ये यहाँ पे लाइट आ गई है, और उधर हार्ड डिस्क भी ये डिटेक्ट हो चुकी है। ये देखिए ये वाली हार्ड डिस्क वही वहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है, जबकि यही से हार्ड डिस्क पहले डिटेक्ट नहीं हुई थी। अब ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है इसी पे, और ये वही 500 GB वाली हार्ड डिस्क है, 465 GB इसको दिखा रहा है वो। तो ये वही सेम हार्ड डिस्क है जो हमने अभी उसको रिपेयर किया है। जैसे कि देख पा रहे हो कि ये हार्ड डिस्क अभी वर्किंग में है, जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और ये वाला इनक्लोजर या इस तरह का किसी भी और कंपनी का इनक्लोजर आपको लोकल मार्केट में आपकी लोकल कंप्यूटर शॉप्स के ऊपर 200-250 रुपये के आसपास मिल जाता है, 250 रुपये की इसकी अराउंड कीमत है। ये ऑनलाइन वेबसाइटों के ऊपर भी अवेलेबल है, और आप इसको बाय करके इसको आप यूज करके 200 से 250 रुपये के अंदर आप अपनी जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसको आपने साइड पे रख दिया है या आप उसको फेंकने की सोच रहे हो कि इसी वजह से सिर्फ कि वो खुल नहीं रही या लाइट ब्लिंक कर रही है या लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी केस हो सकता है कि लाइट अगर ब्लिंक नहीं भी कर रही तब भी आप उसकी PCB प्लेट चेंज करके उसको वर्किंग में ला सकते हो। देखिए इस इनक्लोजर के अंदर आप हार्ड डिस्क फिट करने के बाद एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसको दोबारा यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो,
इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टेक्नोलॉजी के साथ। बातें करते हैं तकनीक की, देखते रहिए ब्रेन फीड।